आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ की वसूली से नाराज यात्रियों ने किशनगंज स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। तिरुवनंतपुरम से गुवाहाटी जा रही गुवाहाटी एक्सप्रेस के यात्रियों ने आरोप लगाया कि आरपीएफ के जवानों ने टिकट की जांच के नाम पर सैकड़ों यात्रियों से हजारों रुपए वसूल लिए और जब विरोध किया गया तो यात्रियों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और ट्रेन को घंटों रोककर आरपीएफ थाने के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का गुस्सा देख मौके से 3 जवान फरार हो गए जबकि 2 जवान थाने में छुप गए। यात्रियों का हंगामा बढ़ता देख शहर के टाउन थाने से अतिरिक्त तो पुलिस बल भी मंगवाना पड़ गया। वहीं यात्रियों की शिकायत के बाद स्टेशन मास्टर ने आरोपी 5 आरपीएफ जवानों को निलंबित करने की बात कही। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के मौके पर परदेश से कमाकर लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं और ऐसे में ट्रेनों में आरपीएफ जवान अवैध वसूली में लग जाते हैं। आरोप इतना पब्लिक गलत है, कोई पैसा नहीं लिया। मतलब इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं, आप सही हैं। सही की बात है कि हम लोग हमारा कोई पार्टी पैसा नहीं लिया है, बिल्कुल सही सही कर रहे हैं। पीछे से पैसा लिया है उन लोग आके यहाँ बोल रहे हैं लोग जी, पीछे से पैसा लिया है यहाँ के बोल रहा है। कौन लिया है पीछे से? पीछे और पीछे इतने पार्टी के खिलाफ जो कंप्लेंट मिला है इसको हम लोग ऊपर किया है और वहाँ से आदेश मिला है इनके निलंबन का। अब उसके बाद गाड़ी चला के हम लोग ध्यान से इसके ऊपर में जो जितना भी होगा इनका कंप्लेंट है पैसेंजर का ही हम लोग। क्या कंप्लेंट है इन लोगों का? ये कंप्लेंट है कि एस्कॉर्ट पार्टी ने पैसा लिया। वो 2 आरपीएफ बस जवान उठा के वो जो आइडेंटिटी कार्ड है वोटर आइडेंटिटी कार्ड को चेक किया है, उसके बाद बोला आइडेंटिटी कार्ड से कोई काम नहीं होगा। उसके बाद वो पैन कार्ड देखा है, वो सीआरपीएफ बोला पैन कार्ड से कोई काम नहीं होगा, पैन कार्ड फाड़ दिया। उसके बाद बोला पैसे निकाल, हर आदमी को पास से 500,000 रुपया ऐसे करके ले लिया।